मनमोहन सिंह के लिए क्या व्यू है आपका? मनमोहन सिंह बहुत अच्छे इंसान है एज अ प्राइम मिनिस्टर, एक विद्वान व्यक्ति हैं, प्राइम मिनिस्टर के रूप में भी बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन दिक्कत है प्राइम मिनिस्टर की अथॉरिटी तब पूरे तौर पर इस्टेब्लिश होती है जब वो पार्टी या गठबंधन का नेता भी होता है। देखिए हमारे यहां भी गठबंधन की सरकार थी, अटल जी नेता थे, तो गठबंधन के भी सारे दल उनको नेता मान लेते थे और वो प्रधानमंत्री थे तो सचमुच नेता थे, न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के बल्कि एनडीए के भी नेता थे। तो अटल जी के नेतृत्व में बहुत ही शानदार ढंग से अलायंस चला। अब दिक्कत है कि इनके सहयोगी जो मिले वो सब महान थे, मनमोहन सिंह तो अच्छे आदमी, अब बताइए बिहार आना चाहते थे आने नहीं दिए। मेरे मन में उनके प्रति बहुत इज्जत है, लेकिन अब दिक्कत यह है कि जिस प्रकार का गठबंधन वहां है उसमें कोई मनमोहन सिंह जी ही जो चाहे वो हो ऐसा न तो संभव है और ऐसा न तो दिखता है। उनके एलआई और उनके कुछ मिनिस्टर अपने अपने विभागों में मंत्री के रूप में नहीं अपने विभाग के प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे थे। मनमोहन सिंह जी को और बेहतर माहौल मिलना चाहिए था। आपने अटल जी के भी साथ काम किया एनडीए में भी या सरकार में भी, और अब अडवाणी जी, तो आप अगर दोनों को कंपेयर करेंगे, अटल जी और अडवाणी जी दोनों थे नहीं, तो अगर आप दोनों को कंपेयर करेंगे लीडर, देखिए आपको मैं बता दूं सारा काम अटल जी नहीं करते थे, बहुत सारा काम अडवाणी जी ही करते थे, इसलिए एलआई को अडवाणी जी के साथ काम करने में कोई कठिनाई नहीं है। प्रश्न है मुद्दों का सिर्फ। हमको तो पक्का विश्वास है कि केंद्र में अगर सरकार बनेगी तो वो सरकार उन्हीं मुद्दों पर चलेगी, खास करके विवादित मसलों के मामले में, चाहे वो अयोध्या मसला हो, धारा 370 की बात हो या कॉमन सिविल कोड की बात हो। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर एनडीए को बहुमत मिलता है, एनडीए की सरकार बनती है, तो ये विवादित मुद्दों को उसमें कोई स्थान नहीं मिलेगा, सरकार उसी हालत में बनेगी।